हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सिंपल तरीके से मोबाइल फ़ोन में प्रोफेशनल थंबनेल बनाने का तरीका बताएंगे और बनाकर भी दिखाएंगे। यदि आप हमारे बताए गए नियमों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप बेहतर से बेहतर थंबनेल बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं मॉनिटर कौशल, नॉट फॉर वेट 181। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोफेशनल थंबनेल को बनाने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना होगा, जैसे कि पहले नंबर पर है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग से मतलब यह है कि अपने थंबनेल पर जो भी कलर जहां पर भी यूज करने वाले हैं वो लोगों को पसंद आना चाहिए, आंखों को चुभना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके थंबनेल का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, आपके थंबनेल पर जो भी वर्ड टाइप करेंगे उसका कौन सा कलर होना चाहिए, और वर्ड का जो स्टॉक लगाएंगे उसका कौन सा कलर होना चाहिए, और यदि आप कोई पिक्चर यूज कर रहे हैं तो उसके साइडों का कलर कौन सा होना चाहिए, इन सब बातों को आपको ध्यान देना होगा। और ये सभी आप अच्छी तरीके से तब सुधार पाएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आप अपने थंबनेल पर जो भी वर्ड टाइप किए हैं वो कौन से फॉन्ट पर होना चाहिए, वो चाहे हिंदी का वर्ड हो या फिर इंग्लिश का वर्ड हो, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपके थंबनेल का साइज। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके थंबनेल का साइज ठीक नहीं होगा तो आप जब थंबनेल लगाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा होगा, अच्छा नहीं लगेगा, यानी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। और लास्ट चौथे नंबर की बात करें तो आपके थंबनेल पर कलर इंक्रीज करना आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम आपको एक थंबनेल बनाकर दिखाते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, अभी के टाइम पर हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन की सहायता से सिंपल वे में थंबनेल बनाने का प्रोसेस सीखने वाले हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने पर आपके सामने इनका होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। चाहे तो आप यहीं पर भी अपना थंबनेल बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन को डिलीट कर देना होगा, कुछ इस तरीके डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर लेना होगा, सिंपल साइज पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप यूट्यूब थंबनेल के लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर रिकमेंड करेंगे आपको, यहाँ पर आप मैनुअली टाइप करिए 1920 और यहाँ पर 1080, यानी कि 16:9 रेशियो का आपको थंबनेल बनाना है। सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपके थंबनेल का बैकग्राउंड लेना है, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यदि आप ब्लॉगिंग के लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी, यानी कि आप कोई भी फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यदि आप कोई कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड करके कलर चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ब्लैक कलर लेने वाले हैं, ब्लैक पर टच करेंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, यहाँ पर डन कर देंगे, ओके। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा उसी तरीके का हम थंबनेल यहाँ पर बनाकर दिखाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यूट्यूब लोगो को चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे। अभी आपने जहाँ पर कोई भी फोटो रखे होंगे वो आप चूज करिए। यहाँ पर भी हम आपके कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, थंबनेल बनाते समय भी आपको ये ध्यान देना होगा जो भी फोटो या फिर इमेज आप यूज कर रहे हैं वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, नहीं तो आपके थंबनेल के लिए स्ट्राइक या फिर क्लेम आ सकता है। फिलहाल यूट्यूब लोगो जो हमें चाहिए वो यहाँ पर है, इसे सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से पूछा जा रहा है आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर डन करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्गाकार में है और इसे हमें कट करना है। इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इरेज कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे इनेबल करेंगे, ये वाइट कलर का जो भी है कट जाएगा। यदि आप किसी और पिक्चर में कोई और कलर रिमूव करना चाहते हैं सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे ड्रैग करके जिस भी कलर को रिमूव करना चाहते हैं वहाँ पर ले जाएंगे, फिर सही के टिक मार्क पर क्लिक करेंगे तो वो कलर रिमूव हो जाएगा। इसे थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर उस पर क्लिक करके थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका स्टॉक है कुछ इस तरीके से हो जा रहा है, स्मूथ हो जा रहा है। इसे सही पर टिक मार्क करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच में वाइट लगाना है तभी ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, इसके लिए यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें चाहिए त्रिभुज आकार में, तो इस वाले आइकन को हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे डन करेंगे, इसे आप रोटेट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, छोटा कर लीजिए, यहाँ पर फिक्स करने के लिए कुछ इस तरीके से एडजस्ट करिए। उसके बाद हमें इसके बैक यानी कि पीछे ले जाना है, तो सिंपल आप यहाँ पर टू फ्रंट है, उसके बाद यहाँ पर टू बैक है, तो ये बैक चला जाएगा पीछे। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, जैसे इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए मूव हो रहा है और ये भी मूव होगा, तो आपको एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से, उसके बाद इसे मर्ज कर लेना है एक दूसरे के ऊपर। इसके लिए सिंपल आप लेयर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर सही वाला टिक मार्क करेंगे, ये दोनों पर मार्क लगाएंगे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है आर यू श्योर, ओके करेंगे,
तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ चुके हैं, तो इसे हम इस पोजीशन पर रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें टाइप करना है जो भी वर्ड लिखना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर आएंगे, उसके बाद यहाँ डबल टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं YouTube वीडियो, उसके बाद यहाँ पर हम डन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फॉन्ट चूज करना है, यानी कि इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिंपल आप अल्फ़ाबेट पर आएंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके आपको फॉन्ट बनाना होगा यहाँ पर। इसके लिए हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं ये वाला फॉन्ट, ओके करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके साइज़ को थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, स्क्रॉल डाउन यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर साइज़ वाले ऑप्शन पाएंगे, प्लस करके इसे इंक्रीज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया है थंबनेल लिखा हुआ है, फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर आएंगे, डबल टैप करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे थंबनेल कैपिटल लेटर में, डन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये थंबनेल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो ये थंबनेल लिखा है इस पर भी फॉन्ट अप्लाई करेंगे, इसके लिए स्क्रॉल करेंगे, फिर से फॉन्ट पे आएंगे, तो यहाँ पर हम फॉन्ट अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चर इट लिखा हुआ है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये थंबनेल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे हम, तो हमने यहाँ पर इसके साइज़ को 135 रखा है आपको समझाने के लिए, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सही पर टिक मार्क करेंगे, यहाँ पर आपको एक बारी एक मिस्टेक दिख रही होगी, इसके जो अल्फ़ाबेट हैं थोड़ा सा नज़दीक हैं, इसे दूर करने के लिए सिंपली आप इस पर टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, स्पेस वाले ऑप्शन पर आएंगे, तो यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके अल्फ़ाबेट के बीच में दूरी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो कुछ इस तरीके से अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। कलर देने के लिए सिंपली आप थंबनेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ कलर वाले ऑप्शन पाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम कलर देने वाले हैं, जैसे कि हम आपको एग्जांपल के रूप में बता दें कि ब्लैक कलर पर रेड अच्छा लगेगा, ग्रीन अच्छा लगेगा, पिंक अच्छा लगेगा, येलो भी अच्छा लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल जो थंबनेल हमने दिखाया है वो हमने पिंक चूज किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर जो हमने थंबनेल लिखा हुआ है यहाँ पर आपको किनारे किनारे यानी कि इसका बॉर्डर बनाना होगा, इसके लिए यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके और भी सेव ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल हम यही चूज कर रहे हैं, इसे कुछ इस तरीके से इसके साइज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से आपको चूज करना है, तो फिलहाल यहाँ पर हम ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक क्यों चूज कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपको एक काम और कर लेना है, ये जो हमने सब कुछ लगाया हुआ है इसे लॉक कर लेना होगा, नहीं तो क्या होगा, जब भी क्लिक होगा तो ये मूव करेंगे। सिंपल लॉक करने के लिए लेयर पर जाएंगे, यहाँ पर लॉक वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए मूव नहीं होंगे, केवल यही मूव होगा, जिसका काम हो वही ऑन रखिएगा। अब जो आप थंबनेल लिखे हुए हैं इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ्रंट और बैक ऑप्शन दिख रहा है, टू बैक, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमने लेयर लिया हुआ है ये जो थंबनेल लिखा हुआ है उसके पीछे चले जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आपको अपने वर्ड के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसके किनारे किनारे बॉर्डर लगाने के लिए आप यहाँ पर स्टॉक पे आएंगे, उसके बाद इसे इनेबल करेंगे, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल हमने जो थंबनेल बनाया हुआ है यहाँ पर पीला लिया है, तो आप यहाँ पर येलो कलर कुछ इस तरीके से लेंगे। उसके बाद इसकी मोटाई यानी कि स्टॉक की विड्थ जो है कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने में लगने लगेगा। उसके बाद हमने लिखा हुआ है सबसे आसान तरीका, इसके लिए आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करिए, टेक्स्ट पे आइए, यहाँ पर आप डबल टाइप करके लिख सकते हैं, सिंपल ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। आपको इससे पहले ये वाला भी लॉक कर लेना है जो हमने ब्लैक कलर का शेप लिया हुआ था। अब इसे थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेंगे, यानी कि इसका भी फॉन्ट चूज कर लेंगे, सिंपली यहाँ पर अल्फाबेट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट पे आएंगे, इसके लिए हम फॉन्ट चूज कर रहे हैं ये वाला। अब बारी आती है यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर आपको पिक्चर लगाना है, इसके लिए आपको पहले से अपनी पिक्चर को PNG फॉर्मेट में HD क्वालिटी में सेव कर लेना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर सेव किए होंगे, सिंपली प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे आएंगे, तो यहाँ पर हमने पिक्चर को चूज कर लिया है, ये वाली पिक्चर हम यूज करने वाले हैं। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पर कुछ इस पोजीशन में आ जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर साइज क्रॉप कर लेना है, इसके बाद डन करेंगे तो ये पिक्चर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसके साइज को कुछ इस तरीके से आपको इंक्रीज कर लेना है, बढ़ा लेना है, चाहे तो आप इसके स्टॉक दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर स्टॉक नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है,
और ब्लैक ही ठीक है। यहाँ पर ध्यान दिए होंगे हमने HD प्लस लिखा हुआ है, इसके लिए आप सिंपली फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर आएंगे, उसके बाद डबल टाइप करेंगे। यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए HD प्लस कैपिटल अक्षर में, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसके फंड को भी चूज करना है, तो सिंपली फंड पर चूज करने के लिए यहाँ पर फंड पे आएंगे। यहाँ पर इसके लिए इस वाले फंड को हमने चूज किया है, सिंपली ओके करेंगे, ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। और यदि कोई बारीक काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस पर क्लिक करके इस पूरे पोजिशन को जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थंबनेल पूरी तरीके से बन चुका है, सिंपल इसे सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव इमेज पर आएंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट JPG लगा होगा, तो आपको इसे पर क्लिक करके PNG कर लेना है, उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है, ये आपका थंबनेल सेव हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के शुरुआत में ही हमने चौथे पॉइंट में बताया था, आपको अपने थंबनेल के लाइट को इंक्रीज करना आना चाहिए, जिससे कि आपका थंबनेल HD क्वालिटी में लगे। इसके लिए लाइट रूम एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन इंटरनेट ऑन रहने पर काम करेगा। तो इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अभी अभी हमने जो थंबनेल बनाया हुआ है उसे यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इम्पोर्ट होना। उसके बाद यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं ये फोटो आ चुका है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर कुछ इस तरीके से आपके सामने नज़र आएगा। इस एप्लीकेशन के काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस पर लाइट को इंक्रीज करके आपको दिखाने वाले हैं कि कर्सर को आगे पीछे कर करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बारी बारी से हम करके देख लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली इस एप्लीकेशन की सहायता से अपने थंबनेल की लाइट को इंक्रीज कर लिया है। इसे समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पहले की लाइट कुछ इस तरीके से थी और अभी के टाइम पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप दोनों में अंतर यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने थंबनेल को तैयार कर लिया है। उसके बाद इस थंबनेल को सेव करने के लिए सिंपली यहाँ शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव टू डिवाइस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए प्रिपेयरिंग हो रहा है, यानी कि ये सक्सेसफुल हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अब ये थंबनेल बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया है यूट्यूब वीडियो में यूज करने के लिए।